Assalamu alaikum, this is Rahim Fatma and you're watching the season 2 of the talent intro show of IdeaGIS. Yahan pe we have the top 20 students of our cohort share their entrepreneurial ideas and their thoughts about entrepreneurship in general. Today we have Saad Khan with us, who's from the University of Sargodha, sharing his very, very interesting and genius idea with us. Assalamu alaikum, Saad. वालेकुम सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक साहब, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बिल्कुल तो साहब, लेट्स हैव यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन वी कैन किक स्टार्ट दिस इंटरव्यू। ओके, वेल मैम, मैं मेरा नाम साद है और मैं सरगोधा यूनिवर्सिटी में होता हूँ और बेसिकली मैं सरगोधा से ही बिलोंग करता हूँ और आजकल काफ़ी बिजी रूटीन चल रही है। कोविड की वजह से घर में ही बंदा बिजी हुआ हुआ है और बेसिकली हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है इस कोविड से और आपको भी पता होगा कितनी इंसान को मुश्किलात होती हैं घर में पढ़ना, फिर घर वालों को देखना कि वो हमें देख रहे हैं क्या कर रहा है लड़का, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए काफ़ी हमें देखना पड़ता है। बाकी यही मेरा शॉर्ट सा इंटरव्यू। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले बताएं कि आपने क्या वो मसला अच्छा एकदम से आप फ्रीज हो गए तो आई डिडंट नो दैट आई वाज कटिंग। अच्छा मुझे बताएं साथ कि आपका क्या, आपने क्या मसला स्लैश मसाइल देखे मार्केट में जो आपका दिल किया कि मैं इसको सॉल्व करूं थ्रू माय एंटरप्रेन्योरशिप। मैम बेसिकली मैंने जो मसला देखा वो था पोल्यूशन का। जो पोल्यूशन थी वो बहुत बढ़ रही थी, वो इस तरह से बढ़ रही थी कि आपकी हमारी जो मरीन लाइफ थी वो काफ़ी अफेक्ट कर रही थी उसकी वजह से। बेसिकली जो प्लास्टिक है ना वो हमारी मरीन लाइफ को बहुत तबाह कर रहा था, मरीन लाइफ को भी हमारे अपने, फिर हम मरीन लाइफ में से फिश वगैरह जब खाते हैं तो फिर उसकी वजह से हमें काफ़ी अफेक्ट होती है, हमारी अपनी बॉडीज ख़राब होती हैं और फिर वो हमारी जनरेशन टू जनरेशन वो बढ़ती जाती हैं। तो उसकी वजह से मैंने फिर एक आइडिया सोचा था कि हमें एक कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए कि वो इस मसले को हल कर दे। इंटरेस्टिंग। अच्छा तो आपका सलूशन क्या है, क्योंकि मजे की बात मैं भी इसी पे काम करती हूँ थ्रू माय एंटरप्रेन्योरशिप, तो आई एम रियली ईगर टू हियर व्हाट यू हैव फॉर दिस प्रॉब्लम। वेल मैम, मैंने मिलके अपनी जो मेरी टीम थी हम सब ने मिलके जो इस पे काम किया वो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में। वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि अब आम प्लास्टिक जो होता है वो आप कहीं पे भी फेंकें वो पड़ा रहता है, वो डिग्रेड नहीं होता, उसको काफ़ी सालों लगते हैं डिकम्पोज होने में और वो जब हम कचरे में फेंकते हैं या पानी में जाता है अक्सर हमारा सारा समंदर प्लास्टिक से भरा होता है, उससे ये है कि वो फिश वगैरह खाती हैं उनके मुंह में जाता है वो हमें अफेक्ट करता है। जो मेरा जो हमारा जो प्लास्टिक है ना बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो ये होगा कि वो अगर फिश खाती भी है ना या कहीं पे वो पड़ा भी होगा सॉइल पे होगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और हमें इससे काफ़ी अफेक्ट नहीं होगा एज अ क्या कहते हैं हम ग्रो करेंगे और हम इसको क्या कहते हैं। अच्छा साथ, can you repeat what you said because मुझे बीच में बहुत थोड़ी आवाज आई है, बीच में वो बहुत कट रहा है। Okay ma'am. Probably you have an internet issue here. जो मैम हमने क्या कहते हैं मैम जो जिस पे मैंने वर्क किया इसका सलूशन ये था कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हैं हम। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ये है कि वो डिकम्पोज इजीली हो जाता है। अब जो आम प्लास्टिक होता है वो डिकम्पोज नहीं होता और जब वो पानी में जाता है या किसी भी चीज़ के साथ जाता है कोई भी चीज़ उसको निगलती है खाती है तो वो उसको भी अफेक्ट करता है, फिर हम जब उसको फिश को खाते हैं तो वो हमें भी अफेक्ट करता है और जनरेशन टू जनरेशन फिर ये मसला बनता जाता है। इसलिए फिर जब हमने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस करवाया तो उससे ये है कि वो सॉइल में भी अगर आप यूज़ कर लिया वो प्लास्टिक या कोई टेबल प्लास्टिक की यानी जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनी हुई है वो अगर आपने यूज़ कर लिया उसको आप सॉइल में या दफना भी सकते हैं वो ताकि किसी को अफेक्ट ना करे, या किसी पानी में अगर फेंक भी दें तो अगर कोई चीज उसको खा भी जाएगी तो कोई इशू नहीं होगा, आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, सो नाउ टेल मी सर,
what's the science behind it? Usme aur usme, of course, because ye to biodegradable plastic that we're talking about, and many I feel now people, you know, people that are from a science background, they are thinking and brainstorming universities, their research labs, they are looking for a more nice way to develop a biodegradable plastic. So how did you come up with this? I would say, well ma'am, इस पे काफी मुझे रिसर्च करनी पड़ी. वो एक quotation है, you know little about a lot. आपको कुछ करने के लिए यानी कुछ हर चीज का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. मैं basically business student हूँ तो मुझे ये biodegradable ये इनका पता नहीं है. तो फिर मैंने ना अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बंदे ढूंढे जो ये इस पे काम कर सकते हैं मेरे साथ मिलके. मेरा आइडिया था तो बस मुझे बंदे चाहिए थे. तो फिर हमने मिल के, मैंने बायोटेक्नोलॉजिस्ट देखे, उनसे मिलके उनसे डिस्कस किया ये अपना आइडिया. उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है. और हम जो इसमें डिफरेंस है ना जो आम प्लास्टिक में और मेरे वाले प्लास्टिक में, बस वो ये है कि हम लोग उसको डिकम्पोज कर सकेंगे इजीली. जो दूसरा प्लास्टिक है वो पड़ा रहेगा, उसको डिकम्पोजिशन में बहुत टाइम लगेगा और काफ़ी हमें वो अफेक्ट करता रहेगा, डे बाई डे अफेक्ट करेगा. तो उस प्लास्टिक को आप अगर सॉइल में भी दबा देते हैं ना, जमीन में दबा देते हैं, तो उसमें से प्लांट भी उग सकता है. I see. Now that is one very amazing idea. मुझे बताएं कि आपने इसके लिए market research की, because there's already companies that are working on it. और अभी जिस तरह on my own, I am having a more, you know, a substitute to it. तो आपने research की कि क्या is there a place for another company to start biodegradable plastic, या फिर हमारी जगह है, या बंदों को ये चाहिए, या फिर they can just switch to another material. मैम ये जो बेसिकली बात ये है ना, वो ये है कि इस कोविड के एरिया में, इस कोविड के जो ईयर में हमें अपनी, हर कोई बंदा ना हेल्थ कॉन्शियस हो गया. वो उसको पता है कि हमारी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए फिर ये है कि हमारी मार्केट, अब हर कोई हमारा, हर बंदा हमारी मार्केट हो गया. अब हर घर में, हर शॉप पे, हर मॉल में आपको शॉपिंग बैग्स, आपको टेबल चेयर, ये चीज़ें लाजमी चाहिए चाहिए ही चाहिए. ये ना हो तो फिर आप चल ही नहीं सकता कुछ भी. तो उसके लिए यही है कि हमने ये पूरे शॉपिंग मॉल्स को ऑफर करेंगे कि वो हमारे साथ कोलैब करें, हम उनको ये प्रोवाइड करेंगे, पूरा बना के देंगे, पूरी स्ट्रक्चर बना के देंगे इसका. और जो अब जो हमारे ओपोनेंट्स आते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं वो सारे जो जो हमारे खिलाफ हैं, ओके, जो हमें बनने नहीं देंगे, वो उनसे जो बात करनी होगी ना, वो ज़रा हमारे लिए होगा टैकल करना मुश्किल. मगर वो भी कर लेंगे, क्योंकि जब आवाम हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी सारी, तो वो खुद ही डाउन हो जाएंगे. या अच्छा, अब मुझे बताएं कि, क्योंकि टारगेट मार्केट तो खैर आपने बहुत अच्छी सी मुझे बता दी, लेकिन मुझे बताएं अभी आप कहाँ सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ऑपरेटिंग, क्योंकि एक सिटी होगा या फिर एक सर्टेन एरिया होगा, या फिर आर यू स्टार्टिंग विद ऑल ऑफ पाकिस्तान? वेल मैम, एक सर्टेन एरिया जो मैंने बेसिकली अभी यानी जो स्टार्ट में है वो लाहौर है. लाहौर में से स्टार्ट किया जाएगा, फिर ओवरऑल पाकिस्तान को बताया जाएगा कि ये चल सकता है, ये चीज़ है, ये इसकी ज़रूरत भी है, लाजमी है. तो बेसिकली हम लाहौर को हिट करेंगे पहले, क्योंकि लाहौर में काफ़ी ब्रांड्स हैं, काफ़ी शॉपिंग मॉल्स हैं, काफ़ी अम्यूजमेंट पार्क्स हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत है. खाने के रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें आप शॉपिंग जो खाना स्टोर करते हैं उसमें बहुत ज़रूरत पड़ सकती है. तो बेसिकली लाहौर इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. आई सी. अच्छा, अब आपका बिजनेस बैकग्राउंड है और आपने अपने जो साइंटिफिक आइडिया है उसके लिए यू डिड कॉन्टैक्ट पीपल फ्रॉम साइंस, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आल्सो हैव देम ऑल, यू नो, बोर्ड ऑन योर टीम एज वेल. और मुझे लगता है कि जो टेक साइड ऑफ एन आइडिया होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है. अगर आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ऐप तो आई डोंट गेट आपके उसमें होगी नहीं होगी, लेकिन वेबसाइट तो एक होती है, बंदे की एक पहचान होती है, और वो करने में बाज़ का बंदा इस तरह के यू नो आप यू गिव टू अ डेवलपर और वो चीज़ नहीं बना के देते जो आपको चाहिए होती है, और उसमें पैसे भी ज़ाया होते हैं, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है. तो आपने इसके साथ कैसे डील किया? यू हैव लाइक अ वेरी डेसिग्नेटेड टीम फॉर योर टेक साइड, या फिर आप फ्रेंड से करवा रहे हैं, किस तरह यू हैंडलिंग द टेक साइड ऑफ योर आईडिया?
वेल मैम, जो वेबसाइट की बात है और इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक पेजेस की बात है, ये हमने काफ़ी इस पे वर्क किया था, हमें काफ़ी इश्यू हुआ था इस पे कि कैसे बताएं सबको, कैसे आइडिया दें। फिर हमें हमने मिल के हम टीम मेंबर्स ने मिल के इस पे काम किया था कि अगर हम एक बंदा खुद इस बात को सीख ले, वेब डेवलपमेंट को सीख ले, थोड़ी बहुत हमें आइडिया आ जाए, तो फिर हम उससे करवा भी सकेंगे काम जिस बंदे को हमने असाइन करना होगा। फिर हमने पूरी टीम मीटिंग के साथ, फिर इंस्टाग्राम पेज, हमारा हमारा जो बेसिक प्लान था वो ये था कि जो सब कुछ दिखे ना वो ग्रीन दिखे, यानी ये ग्रीन पाकिस्तान को, ग्रीन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान नजर आए, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। तो वेबसाइट पे जब ओपन करें लोग तो एक किस्म की ये प्लांट्स दिखें, उनको हेल्थ फील हो कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आए, वो कलर कॉम्बिनेशन, वो सब कुछ, ये सब चीज़ें हमने फिर देख के फिर एक बंदे को असाइन किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत ज़बरदस्त काम करके दिया हमें, और हमारी वेबसाइट भी तैयार है और फेसबुक पेजेस भी काफ़ी अच्छे असाइन हो गए हैं। और आप और बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स अभी हैं दे आर कमिंग अप विद आइडियाज, वेरी इनोवेटिव आइडियाज आई वुड से, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू देयर आईटी टीम, या फिर जो जब वो काम करा रहे हैं किसी से, वो क्या किन चीजों का ख्याल रखें या किस तरह का एक बंदा ढूंढें? किस तरह के उनसे, उनके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करें। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करेंगे और कि अपने आप को सबसे पहले नहीं इवेल्युएट करेंगे, वो किसी और से काम नहीं करवा सकेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पता होगा कि ये काम ऐसे हो सकता है, तो आप अगले से उसी तरह, उसी तरीके से काम करवा सकते हैं। अब कोई बंदा ढूंढना है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि इस काम में ये लाजमी होना चाहिए, तो वो आप उससे करवा सकते हैं। फिर आप चाहे, यानी आपको थोड़ा सा प्रिटेंड करना पड़ेगा, ये काम मुझे सारा आता है, बस मैं सिर्फ तुमसे करवाना चाहता हूँ, तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। या एंड आई टोटली एग्री, बिकॉज बाज का आपको काम अगर आता हो ना, थोड़ा सा भी कोडिंग वगैरह का काम आता हो, तो आपको समझ आ जाती है किस तरह दूसरा बंदा काम कर रहा है, यू नो देयर नॉट जस्ट कॉपी पेस्टिंग व्हाट दे डिड फॉर द लास्ट क्लाइंट. तो यस मैम, या ये दिस इज आई फील अ वेरी गुड टिप. नाउ व्हाट्स योर प्रमोशनल प्लान, बिकॉज इसकी प्रमोशन जो है काफी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वी ऑलरेडी यूजिंग प्लास्टिक और हम इसको कम्प्लीटली गिव अप नहीं कर सकते फॉर अनदर प्लास्टिक, और हमें बहुत स्मार्टली यू हैव टू यू नो काइंड ऑफ ब्रिंग इट इनटू आवर लाइफ. यस मैम। तो हाउ आर यू प्लानिंग टू डू दैट? वेल मैम, इसकी प्रमोशन इस तरीके से होगी कि हम अगर किसी तरह इमरान खान साहब से जाके मिल लें, मगर उनको अगर उनको अपना आइडिया दे दें, क्योंकि वो वैसे ही कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो अगर उनसे हमें कोई रब्ता हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वो भी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं, हम भी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं। हम जैसे ही अगर दोनों मिल जाएंगे तो फिर हमारी एक प्रमोशन, उनका फेस हमें चाहिए सिर्फ, और वो जब बता रहे होंगे कि ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, तो अगले दिन ही उसकी प्रमोशन और उसके सेल्स रेट बहुत हाई हो जाएंगे। बिल्कुल. तो एकदम से आपने कहा ना, बस एक दफा इमरान खान साहब से मुलाकात हो गया, तो मैंने कहा यू डू अंडरस्टैंड दैट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री दैट वी लिव इन. बट या एंड आई फील के अगर आपको गवर्नमेंट से, नॉट नेसेसरली इमरान खान, आई मीन इमरान खान अंकल, आई मीन वो तो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, बट आई थिंक एनीबडी हु इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल यस मैम, दैट अंडरस्टैंड्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, और गवर्नमेंट में वैसे भी बात जल्दी फैल जाती है, राइट? सो आई फील लाइक दैट विल आल्सो बी अ नाइस वे, लाइक जो हमारी क्लाइमेट मिनिस्टर है जरताज कौर, शीड बी अ नाइस पर्सन टू स्टार्ट विद, एंड देन वी कैन गो ऑन टू इमरान खान, राइट? दैट वी कैन गो ऑन टू स्ट्रेस मैनेजमेंट. नाउ दिस इज आई फील मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल, बिकॉज मी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ऑल द पीपल दैट आई इंटरव्यू हियर बीइंग एंटरप्रेन्योर्स, स्ट्रेस इज अ बिग थिंग दैट वी हैव टू डील विद. मतलब ये वो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, उतनी ज्यादा चीजें चल रही हैं, फिर आपका साथ फैमिली को भी लेकर चलना होता है, बंदे की पर्सनल लाइफ भी होती है एज वेल एज विद बिजनेस लाइफ, आप एक स्टूडेंट भी हैं, सो यू आल्सो यू नो काइंड ऑफ टेकिंग दैट, और टीम को हैंडल करना, फिर बाज़गा टीम में थोड़ा सा हो जाता है, तो जस्ट बींग द लीडर एंड हैविंग अ बिग हार्ट, तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है. So how have you dealt with all the stress that has come with this entrepreneurship? वेल मैम, मेरी एक अपनी एक टीचिंग है, यानी अपनी एक सोच है, कि मैंने अपने आप से ही बात की है कि नो मैटर व्हाट्स द सिचुएशन, साथ यू कैन हैंडल। तो
ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मुझे कहती रहती है बार बार कि नहीं साथ रिलेशंस भी बनाने हैं, दोस्तियां भी निभानी है, बिजनेस भी करना है, हर चीज को साथ लेके चलना है, फिर सक्सेस का मजा। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो स्ट्रेस मुझे यहीं से फिर ग्रैब हो जाती है, वो मेरी मुट्ठी में, क्या मैं अपनी मर्जी से चाहूँ स्ट्रेस को ओवरकम कर लेता हूँ, ज्यादा कर लेता हूँ और डील इजीली हो जाता है। तो ये सारे डिपेंड करती है आपके अपने माइंड पे। हर कोई यहाँ पे अगर जो मुझे देख रहे हैं वो उनके लिए मशवरा यही है कि बुक्स पढ़ो, बुक्स को अपना दोस्त बनाओ, उससे नॉलेज लो और अपने आप को ठीक करो। आई सी, नाउ आई फील कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, टेलिंग इट टू योर फैमिली, एंड एवरी फैमिली हैज डिफरेंट रिएक्शंस। बाज़ का तब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते तो कुछ और आ जाता है, एंड आई फील एक पेरेंट्स की जो नॉड होती है या फिर एक पेरेंट्स का जो होता है कि हाँ ठीक है व्हाट यू डूइंग इज गुड, इट कैन रियली बूस्ट अप लाइक योर कॉन्फिडेंस विद योर आइडिया, और आपकी जो आइडिया पे आपको एक एतबार सा होता है। सो हाउ वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? वेल मैम, फैमिली का रिएक्शन तब अच्छा होता है, उनको लगता है कि अगर आपका वो सपोर्ट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, जब उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा काबिल है, कुछ कर रहा है, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ बेसिकली यही सीन था कि पहले तो वो मैं अपने कमरे में रहता था, कंप्यूटर खेलता रहता था, चलाता रहता था, तो उनको लगता था पता नहीं क्या कर रहा है ये कमरे के अंदर। तो फिर वो उन्होंने क्या कहते हैं फिर मेरे पे नजर रखना, ये क्या कर रहा है। फिर मैं उनसे और छुपाता था कि नहीं मैं अभी नहीं बताना चाहता कुछ भी। फिर मैंने एक दिन फिर खुद जाके उनको बताया कि मामा मैं ये अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने शाबाशी दी और काफी मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा काम है। बाबा भी ऐसे ही हैं, बाबा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब फैमिली की तरफ से अब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो बेसिकली आपको खुद ही बताना पड़ता है, फैमिली को साथ लेके चलेंगे, उनको बताएंगे ना वो खुश होंगे और आपका साथ देंगे। अच्छा मुझे बताएं what is that you would want to tell to all the parents that might be watching or to all the parents that have children that are interested in entrepreneurship or are pursuing entrepreneurship, ki kis tarah ka reaction hai? Because baz ka entrepreneurship comes with a risk, it comes with a risk, aur bahut zyada is tarah ke ventures hote hain jo nahi aage badhte aur usme koi badi baat nahi hoti, just giving it becomes a part of your soul, a part of your mind and a part of your heart. And that will always stay there, whether it's within your life or not, right? Mujhe bataein ki what is that parents should tell even if they're not so positive about the idea. Well, ma'am, agar parents ke liye hai koi, to parents ko chahiye ki wo apne bacche ko thoda sa chhod dein, khule aaj chhod dein, thoda unko decision lene ka mauka dein. Hum log kya karte hain ki decision nahi lene dete unko aur wo unke hi उनके पास ही बंधे रहते हैं और कुछ करने का सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बैठे हैं, वो सोचेंगे, इतने में हमारी एज भी निकल जाती है, टाइम भी निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं हमें पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था। तो पेरेंट्स को चाहिए जो बच्चा चाहता है ना उसकी सुने, ना कि अपनी करें कि बच्चे को डॉक्टर बना रहे जबरदस्ती और वो चाह रहे हैं मैंने आर्ट्स वाली साइड पर जाना है और वो फिर ना डॉक्टर बन पाएगा अच्छा सा और वो फिर से पैसे के लिए भागेगा, पैसे हमारे लिए नहीं भागेगा फिर। I see. अच्छा, साथ do you mind telling me आपके कितने बहन भाई हैं? Well, ma'am, मैं दरमियान में आता हूँ, मेरी दो बहनें हैं। I see. अच्छा तो आप बिल्कुल दरमियान में हैं। Yes, ma'am. मुझे बताएं साथ how was your sister's reaction? Both of them. उनका क्या reaction था कि हमारा भाई ये कर रहा है? Well, ma'am, वो तो बहुत ज़्यादा खुश थीं क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा भाई ये कर रहा है, इतना उसका नाम आएगा, हम अपनी दोस्तों को बताएंगे कि ये हमारे भाई है, इसने ये किया है, ये यहाँ तक पहुँचा है। तो वो काफी इस बार उनको सिर्फ ये है कि हम लोगों को बताएंगे ये हमारा भाई है। I see. और मुझे लगता है कि बहनें, because I too am a sister, मेरा एक बहुत छोटा सा भाई है, 8 साल छोटा मुझसे भाई है, तो 5 साल का है वो, लेकिन यू नो व्हेनेवर ही डज समथिंग, इवन इफ ही राइट्स दिस ए, no, I'm so happy and I tell like everybody, oh my god, he just wrote an A today. So yeah, every sister is always happy for her brother. Mujhe bataye, how did your journey with Idea Just start? Aapko pehle pata kaise chala Idea Just ka? Well, ma'am, as a ek dost ne mujhe iske bare mein bataya ki Idea Just ke bare mein, to mujhe
उसने फिर लिंक्स भेजे, उसने कहा कि यहाँ पे अप्लाई करो कॉफी। मुझे पहले से ही था कि ना मैं कुछ इन्फ्लुएंस करूँ, लोगों को बताऊँ कि मेरी कोई मेरे व्यूज सुने कि ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर मुझे जब आइडिया जिसका पता चला कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतनी अच्छी जगह है, तो फिर वो मेरे लिए इससे बड़ी बात हुई नहीं और मैं सबसे पहले अप्लाई किया यहाँ पे। आई सी। तो आप मुझे बताएं, वाज देयर अ टाइम जब आपने सोचा कि यार मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप साथ पढ़ भी रहे हैं और पढ़ाई अफेक्ट होती है एट टाइम्स पॉजिटिव उसमें या एट टाइम्स नेगेटिव उसमें, बट मुझे लगता है कि अगर आप बिजनेस पढ़ रहे हैं तो फिर तो बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। तो आपने सोचा कि यार ये ना हो पढ़ाई में कुछ पीछे रह जाऊं, ये ना हो कि इस तरह हो जाए, या फिर आपने कहा बस अभी अप्लाई करना और करना है करना है? वेल मैम, मैंने कभी अपनी पढ़ाई को इस काम में नहीं लाने की कोशिश की। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मुझे कुछ सीखने को मिले। जब मैंने ये सोच रखी है ना सीखने को मिले, तो मुझे फिर पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करती। मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत मतलब लो चला जाता है इसकी वजह से, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे कुछ सीखने को अगर मिल रहा है तो वो GPA मैटर नहीं करता। अगर आप सीख रहे हो तो GPA की वजह से मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले आइडिया जिसको अप्लाई किया, इसको ढूंढा, इस पे काम किया और अपना आइडिया जनरेट किया। फिर मेरे वो जो GPA है वो बेशक डाउन जाए, मुझे उसका उसकी परवाह नहीं रहती, लेकिन आपको वो भी मेंटेन करने हैं लाजमी, क्योंकि डिग्री दुनिया को दिखाने के लिए, बाकी काम आपने अपने लिए करने। आई सी। और साथ यू नो व्हाट आई फील के यू बिकॉज यू आर बिजनेस स्टूडेंट फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और आप बिजनेस पढ़ रहे हैं और आइडिया जिस इज एक्चुअली टेलिंग यू हाउ टू अप्लाई दैट इन रियल लाइफ व्हिच university isn't right, so that I feel ki aap dono jagah mein you're learning and you're just trying to absorb all the positive energy around you, which is just amazing. Ab mujhe bataye, how was, because aapka ek exam bhi hota hai for ideas, so how was that, because you have to watch some videos and fir aapko exam dena hota hai, and how was that kind of area in that stage for your journey with ideas just for me? Sorry ma'am, I can't hear you due to the distortion. Can you please repeat? Main keh rahi hu that I know ki aapka ek exam bhi hota hai before coming to IDHS, right? You have to watch some videos and then you have to give an exam, right? So how was that for you? Well ma'am, exams aur ideas साथ साथ चलते रहते हैं, और क्या कहते हैं कि मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ कि मेरे एग्जाम्स हैं और मेरा आइडिया मुझे खराब करना है। बस मैं ज़्यादा 50-50 रखता था, मुझे मैं ये था कि मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ तो मेरा ना काम मेरा डिस्टर्ब हो ज़्यादा, ना मेरा आइडिया डाउन जाए और मैं अपने आप को भी बूस्टअप रखूँ। जब आपका एकेडमिक रिकॉर्ड डाउन जाता है ना, तो आपको बेशक आप उसको मैटर नहीं रखते, मगर फिर भी आपके ना मोरल डाउन होता है। तो फिर मुझे था कि नहीं, मोरल को अप रखने के लिए मुझे थोड़ा सा अपना एकेडमिक रिकॉर्ड को अप रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं फिर वर्क करता था और चलता रहता था, साथ लेके चलता था। अच्छा, now sir, tell me, what are your future goals as a very independent young person and also with your very innovative idea? मैम, इनोवेटिव आइडिया के देखा जाए तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में हो, इवन के दूसरे कंट्रीज में भी इसका नाम हो। अगर आइडिया को देखा जाता, अगर मेरा खुद को देखा जाता, तो मैं चाहता हूँ मैं अपने अगले 5-6 साल में मैं अपने आप को डेवलप देखूं कि मैं जो मेरे अंदर कमियां हैं, अपने माइंडसेट को चेंज करूं, अपने आप को और ब्रॉड करूं और नॉलेज की तरफ जाऊं। ये नहीं हो कि मैं पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि अपने आप को डेवलप करूं, नॉलेज हासिल करूं, लोगों को इन्फ्लुएंस करूं कि नहीं आप लोग इस साइड पर जा रहे हैं, ये साइड अच्छी है, इस साइड पर जाएं। तो बेसिकली आई हैव टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड चेंज माई माइंडसेट टू। Sad, I have something for you in the chat. Can you read it and then answer my next question? Have you read it? Well, ma'am, अगर देखा जाए कि basically biodegradable plastic से related मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें देखा जाए, अगर इसको अगर हम पूरे पाकिस्तान में फैला देते हैं तो हमारी पोल्यूशन कम हो जाएगी और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क करते रहेंगे और काफ़ी लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारा ये आइडिया ख़रीद सकेंगे और हमें उनको बता सकेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है और हमारी पोल्यूशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर इसमें हमें क्या कहते हैं अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें एक लीडर्स चाहिए होंगे कुछ, और इंटरप्रेन्योर्स चाहिए होंगे जो अपने आप पे वर्क करना जानते हो, अपने आप से काम लेना जानते हो। हम लोग काम तो हर कोई कर लेता है, काम लेना भी आना चाहिए, लोगों से काम करवाना और उनको लीड करके चलना, बेसिकली यही हमारा मकसद होना चाहिए। क्योंकि जब दुनिया क्या कहते हैं इसमें लग जाती है ना, पैसे के पीछे लग जाती है कि नहीं हमें पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, जब पैसे के पीछे लगे तो पैसा दूर भागता है उससे। हमें पैसे को नहीं जाना, हमें सिर्फ डेवलप करना है खुद को, कंट्री को भी और खुद को भी। और हमारे जो यंग, आपको जो भी यहाँ पे अगर जो भी मुझे देख रहे हैं उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आपके जो मैट्रिक में आपके कजन हैं, दोस्त हैं या जो भी आए, उनको आप बूस्टअप करें कि एंटरप्रेन्योर वाली साइड पे ज्यादा आए। क्योंकि एक तो ये सुन्नत भी है बिजनेस करना, तो सुन्नत है, उसमें बरकत भी होगी, और हम लोग अगर इस्लाम पे चलेंगे तो हम लोग काफी आगे जा सकते हैं। इसलिए हमें इस पे काम करना है और अपने साथ लेके चलना है लोगों को, और बताना है कि ये चीजें इंसान को लाजमी करनी है और करते रहना है। बुक्स, और बुक्स की बात ये है कि आपको ना जो आपकी लाइफ में आपसे क्वेश्चंस हैं, हर किसी के लाइफ में उसके क्वेश्चंस होंगे कि उसने आगे क्या करना है, या डर होता है, डर को कैसे खत्म करना है। तो वो डर इसलिए होता है क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होती। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगी तो आप उस डर को भी खत्म कर देंगे, और उस डर पे ओवरकम आ जाएगा आपको, और आप लोगों को बता सकेंगे, और इजीली आप अपना प्लेटफॉर्म चला सकते हैं और अपने आप को चला सकते हैं। I see, Saad. Now, Saad, I feel you are so amazing and you're doing so much and you've given an amazing message and an amazing interview to Idea Chest. And it does take a lot of courage. In fact, I must say कि आप अपनी स्टोरी बताओ, अपना आइडिया बताओ, क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हो बाज़ ज़्यादा को डर लगता है कि मैं किसको आइडिया बता रहा हूँ, या फिर एक अपना पर्सनल चीजें भी बताने में इट टेक्स सम करेज. And certain aspects of it takes a lot of courage, right? Now, Saad, and I'd like to ask, how important do you think is entrepreneurship for Pakistan? And this is my last question to you. Well, मैम, एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जॉब्स नहीं है। हम जॉब्स के लिए हर कोई रो रहा है कि हमें जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप जॉब की तरफ जाओ ही ना, आप देखो आप खुद क्या बना सकते हो, वो मार्केट में लेके आओ, उसको बेचो और आप उससे फायदा उठाओ। इससे हमें क्या होगा, क्या फायदा होगा कि हमारे इकोनॉमी बढ़ेगी और लोग काफी ज्यादा इसकी तरफ आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे, ना कि ये कि जॉब के पीछे भागेंगे। लोगों के लिए काम करेंगे ना कि अपने लिए काम करेंगे। इसलिए हमें अपने लिए काम करना है, लोगों के लिए काम नहीं करना ज्यादा, और अपने आप को डिवेलप करना है, बताना है कि बिजनेस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। I see. Amazing, 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 Saad. Thank you so much for coming here. Thank you so much for sharing so much about yourself. Thank you so much, everybody, for watching. अगर आपके कोई भी सवाल हो, any feedback, any queries that you might have from Idea Gist, you can go to our Facebook page. There you also get our email as well as our number. तो आप उस तरह भी contact कर सकते हैं, or you can just leave a text message on our Facebook page, and inshallah our team will get back to you. और अगर आप Idea Gist के part होना चाहते हैं, so that is the same, right? And then our team will definitely get back to you. Thank you so much for watching. Thank you so much for all the love, because I feel ki hamare guests, hum ise talent intro show kehte hain, ki we want, ki if we have trained them, also introduce them to the world, and all the love that you give to the guests is tremendous. So thank you so much, and inshallah we'll come again with another very talented guest. Haan, recording hogi saath.